दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन था उनका प्रपोज किया हुआ ट्रिपल तलाक बिल। नमस्कार, मैं हूं विदित जोशी, आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज और आज हम बात करेंगे लोकसभा सत्र के बारे में। दोस्तों केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज ट्रिपल तलाक बिल प्रपोज किया है। दोस्तों उस बिल के मुताबिक ट्रिपल तलाक क्रिमिनल और इलीगल हो जाएगा, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी के अंडर आएगा। पिछले लोकसभा में दिसंबर में हमने इस बिल को पारित किया था, उसके पहले ही पारित किया था, फिर बदलाव किया था, सुझाव के लिए सुधार के लिए बदलाव किया था और ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग था, लेकिन चूंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, नई लोकसभा आई, इसलिए संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार इस बिल को हम दोबारा लेकर के आए। पर सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक का मामला आर्बिट्ररी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बेंच ने कहा इट इज फुल ऑफ सिन, ये भी जजमेंट में कहा गया है। हमारा कहना बार बार है और जब ये बहस होगी विस्तार से कहूंगा, ये सवाल न सियासत का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है, ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी इंसाफ। दोस्तों इस बिल का कांग्रेस समेत सभी ऑपोजिशन ने विरोध करना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे बड़ा नाम उभर के आया है असदुद्दीन ओवैसी का। उनका कहना है कि यह संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के खिलाफ है। सो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट इन एनी वे रीजनेबली लिंक टू द प्रपोर्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ द बिल। थर्ड पॉइंट सर, कंप्लीट कर। थर्ड पॉइंट सर, बिकॉज पनिशमेंट सर, अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा, क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन नहीं है। लास्टली सर, व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मैं खत्म कर रहा हूं सर। सर देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं। 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर, आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए, आप बताइए, आप क्या ये गलत हो रहा है सर? दोस्तों ओवैसी जी की बात यहाँ पे गलत नहीं है। उनका कहना ये है कि अगर ट्रिपल तलाक के बाद जो पति है उसको 3 साल की जेल होती है तो उस समय महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। हालांकि आज के समाज में यह बात करना थोड़ा अलग सुनाई देता है, लेकिन यह बात एकदम सही है। दूसरी बात यह है, ट्रिपल तलाक के बाद जेल जाने के बाद भी मैरिज जो है वो इंटैक्ट रहेगी, इसका मतलब वो अभी भी शादीशुदा होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो यह एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है जो बीजेपी प्रपोज करती है बार बार। अब दूसरी बात असदुद्दीन ओवैसी ने यह उठाई है कि अगर आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी हमदर्दी है तो सबरीमाला में जो महिलाएं हैं, आपको बता दें कि सबरीमाला एक अकेली ऐसी सीट थी जहां पे मंदिर है, वो जो अकेली सीट थी उस इलाके में जो बीजेपी के नाम आई थी। तो यहां पे पॉलिटिकल इशारे आपको समझ आ रहे होंगे और ओवैसी जी ने भी यही बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वहां पे आपको औरतों से हमदर्दी क्यों नहीं है केरला में। तो दोस्तों इस पर बिल पेश करने वाले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का यह कहना था कि देखिए ये रिलीजन का मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये इंसाफ का मुद्दा है और महिलाओं का मुद्दा है, ये महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है जिस पर भारत को कार्य करने की आवश्यकता है। हमने लेफ्ट व्यूज़ की बात की, हमने राइट व्यूज़ की बात की, अब बात करते हैं एक बहुत ही सेंट्रिस्ट व्यू की। हम बात करते हैं शशि थरूर की स्टेटमेंट की। उनका कहना है कि अगर एक मुस्लिम आदमी को तलाक करने में इतने उसकी जेल होती है तो क्या बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को उस चीज़ पे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे शशि थरूर ने एक इंडिकेशन दी है एक ऐसे मुद्दे की जो उठाया तो जाता है बट भारत जैसी कंट्री में अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। उनका इशारा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ और उनका कहना ये है कि अगर ये एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए है तो बाकी कम्युनिटी का क्या? मुस्लिम्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो गाइस ट्रिपल तलाक बिल पर आपका क्या कहना है? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं? क्या आपको क्या लगता है कि इसमें क्या अमेंड्स हो सकते हैं जिससे ये फंक्शनिंग स्मूथ हो? इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल खुलासा न्यूज़।